बस्ती में नामांकन के तीसरे दिन बस्ती लोकसभा 61 से मौलिक अधिकार पार्टी से प्रेम कुमार ने नामांकन किया। नामांकन के बाद प्रेम कुमार ने बताया कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो बाबा साहेब के बदौलत किया है। ये हमारे संविधान की देन है कि आज गरीब के बेटे, किसान का बेटे ने देश के सबसे बड़े पार्लियामेंट का नामांकन पर्चा दाखिल किया है, और अगर यह संविधान ना होता तो एक गरीब का बेटा यहाँ तक कभी नहीं पहुँचता। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप उस बिगड़ा को उठा लिए हैं जो समाज को ज़रूरत है। समाज जहाँ पे लोगों का शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो बिगड़ा आप लोग उठाते हैं तब जा कर के उनको न्याय मिलता है। तो एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। आज मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ भी किया मैं और जो कुछ भी कर पा रहा हूँ, ये माननीय भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देनी है कि आज एक गरीब का बच्चा, किसान का बेटा, जो आज देश के सबसे बड़े पार्लियामेंट का नामांकन पर्चा दाखिल किया, ये आज हमारे संविधान की देनी है। आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता से प्राइम टीवी ने चुनावी मुद्दों पर खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी सीएम मौजूद हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। राजकुमार चाहर के समर्थन में वोट मांगे, चाहर जी जीतेंगे, वन साइडेड चुनाव है, एक तरफा चुनाव, चाहर प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। इंडी गठबंधन में सुपर फ्लॉप साबित होगा इंडी गठबंधन, इंडी उत्तर प्रदेश में 80-80 बीजेपी जीतेगी। देखिए हमारे साथ मौजूद थे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, इनका साफ का साफ तौर से कहना है कि इन जो भारतीय जनता पार्टी है वो 80 प्लस होने जा रही है। सभी प्रत्याशी और जो बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कौन जीत कर लोकसभा तक पहुँचता है, कौन देश का मुखिया बनता है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी, ताजनगरी आगरा में थर्ड फेज में चुनाव होना है। वहीं आगरा में दो लोकसभा सीट हैं, एक आगरा लोकसभा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट। हालांकि फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर काफ़ी दिलचस्प लड़ाई रहने वाली है, क्योंकि इंडी गठबंधन से प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार, वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से राजकुमार चाहर पर पार्टी ने एक बार भरोसा जताया है। फतेहपुर सीकरी की जनता हमारे साथ है, जनता से बात कर लेते हैं। जनता इस बार किसको देश का मुखिया बनाएगी और किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी, जनता हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी। भैया 24 का चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है इस बार फतेहपुर सीकरी में दिलचस्प लड़ाई रहने वाली है, क्योंकि इंडी गठबंधन से रामनाथ सिकरवार, वहीं राजकुमार चाहर पर पार्टी ने भरोसा जताया, क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? विकास को लेकर वोट करेगी जनता बेवकूफ़ नहीं रही है पहले की तरह की कुछ छोटे मोटे लालचों में आके। देश के लिए मोदी जी और योगी जी को भरपूर जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, और देश योगी जी और मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से पूरा समर्थन कर रहे हैं। और ये अफवाह की बात है, हॉट सीट बनी हुई है। पिछली बार राजबब्बर जी भी यहाँ से लड़े थे, वो भी बस अपनी 1500 वोटों से जमानत जब्त होने से बचा के गए थे, और इस बार तो हिम्मत भी नहीं कर पाएगी यहाँ से मैं चुनाव लड़ूं। कि वहाँ पर अकबर के ज़माने से पानी की बड़ी समस्या देखी जाती थी, जो राजकुमार चाहर सांसद थे उन्होंने वहाँ पानी का सब जो समस्या थी उसका समाधान किया। और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया 24 का चुनाव है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे, किस प्रत्याशी को चुनेंगे? 24 का चुनाव है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए वोट करेंगे, मोदी जी को वोट करेंगे, और जो हमारे क्षेत्र से लोकप्रिय जनप्रिय सांसद राजकुमार चाहर जी हैं उनके लिए वोट करेंगे। राजकुमार चाहर ही क्यों? राजकुमार चाहर जी उन्होंने जनहित में बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं, किसानों के लिए कार्य कराए हैं, और जो सबसे बड़ी समस्या पेयजल की थी उसका स्थायी हल कराया है माननीय सांसद जी ने, और जो समस्या हर घर के लिए नल के द्वारा गंगा जल का जो प्रोजेक्ट वो 4000 करोड़ का लेके आए, ये सपना था कि हर घर के लिए पानी मीठा मिल जाए, मीठा मुहैया कराने का एक सपना था, उन्होंने गंगा जल को ला के सभी लोगों के बीच में एक अनूठा कार्य किया है। हर क्षेत्र में, हर समाज में, हर वर्ग में उनकी तारीफ हो रही है। इस बार उनका चुनाव पहले से 7 लाख पार होंगे, पहले 5 लाख में यूपी में जी नंबर वन पे थे, अब की बार पूरे देश में नंबर वन होंगे। मेरा नाम राहुल चाहर है और मैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा का एक वोटर हूँ। वोटर होने के नाते मैं ये जानता हूँ कि माननीय सांसद जी ने किसान, मजदूर, बेरोजगार, पीड़ित, वंचित, शोषित सभी के लिए काम किया है। 30 सालों का संघर्ष रहा था, जिससे मोदी जी ने उनका संघर्ष देखकर राष्ट्र राजनीति में किसान मोर्चा का राष्ट्र अध्यक्ष बनाया, और माननीय सांसद जी अपने निवास पर, अपने आवास पर एक जनता दर्शन लगाते हैं,
उसमें किसान, वंचित, शोषित, पीड़ित क्षेत्र में जो जिस समस्या को लेकर माननीय सांसद जी के पास आता है उसका निदान किया जाता है। साथ ही साथ इस बार का जो चुनाव है, आपने देखा होगा कि एक विधायक जी के पुत्र मैदान में कूद गए हैं, वो सिर्फ हवाई हवाई बातें हैं, जनता उनको नकार चुकी है। जनता अपने बेटे सिर्फ राजकुमार चहार जी को सपोर्ट करेगी। देखिए, इस बार जो 24 का चुनाव है मोदी की गारंटी पर चुनाव है और देश को विकसित बनाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, ये मोदी की गारंटी पर चुनाव है। हम फतेहपुर सीकरी की जनता से लगातार बात कर रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं इनसे बात कर लेते हैं। भैया, 2024 का चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? क्या क्षेत्र में जो सांसद थे उन्होंने आपकी जो जन समस्याएं थी उनका समाधान कराया? जी, पूरा समाधान कराया। मेरा नाम कोक सिंह फौजी, मैं फौजी आप फौजी हैं और फौजी एक चुनाव लड़ रहे हैं, इंडी गठबंधन से हैं, फौजी बाबा के नाम से मशहूर हैं, क्या कहेंगे? फौजी किन की तरफ है? मैं तो बीजेपी की तरफ, शुरू से बीजेपी की तरफ रहा हूं और मैं केवल और केवल मोदी जी को और योगी जी को ही पसंद करता हूं। लेकिन फौजी बाबा बोल रहे हैं जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं रामनाथ सिकरवार के, फौजी जो हैं वो हमारे साथ हैं, हमें ही वोट करेंगे, लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव करेंगे फौजी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फौजी जितने भी हैं बीजेपी के साथ हैं, ये तो कहना है उनका भी मतलब में कि हम उनके साथ हैं, हम तो कतई नहीं उनके साथ में, हम तो योगी जी के साथ में खुल के हैं। 24 का चुनाव नज़दीक है, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं? भारतीय जनता पार्टी तमाम दावे कर रही है कि देश में 400 पार, वहीं यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है, क्या लगता है ये दावे पूरे होंगे? दावे पूरे होंगे, यूपी में बीजेपी 80 सीटें जीत रही है और हमारे सांसद पुनः सांसद बनकर आ रहे हैं और मोदी जी को वोट कर रही है जनता, मोदी जी को सपोर्ट करते हैं हम। क्यों मोदी जी को? आखिर मोदी जी ने ऐसे कार्य कराए हैं जो आज तक किसी ने नहीं कराए। भारत में बहुत भी प्रधानमंत्री रहे पर मोदी जी ने कराए। आज हमारी दिव्यांग पेंशन 1000 है, वो मोदी जी की देन है। और ट्राईसाइकिल पहले हाथ वाली दी जाती थी, अब बैटरी वाली दी जाती है, वो मोदी जी की देन है। हमें अनाज घर बैठे मिलता है। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की